पर इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अगली कुछ क्लासेस होती जी इसी प्रोजेक्ट के ऊपर होगी। बेसिकली मैं बाय सेल रिपोर्ट ऑटोमेशन का एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं एक शॉप के लिए, राइट, जिसका मैंने इंटरफेस भी तैयार किया है। अभी इसमें थोड़ा सा काम और होना बाकी है, लेकिन फिर भी मैंने एक इंटरफेस तैयार किया है। ओके, तो बेसिकली जो आप देख पा रहे हैं ये जो है, इसमें कई सारे शीट्स है, स्टॉक है, कस्टमर लिस्ट है, स्टॉक इन है, सेल्स है, बिल है, पेमेंट है, स्टाफ अटेंडेंस है, एक्सपेंस है, और यहाँ पे सेल्स है, डैशबोर्ड्स है। तो वन बाय वन चलते हैं। होम पे हम बात करते हैं स्टॉक की, ठीक है। सबसे पहले मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं और हाइपर लिंक लगा देता हूं। पहले दिस डॉक्यूमेंट बुकमार्क और मैंने बोला कि भाई स्टॉक वाली शीट पे, तो स्टॉक पे जब क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ स्टॉक वाली शीट पे पहुंच जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्टॉक की एंट्री करना, लेकिन मैं इसके लिए कोई यूजर फॉर्म नहीं बनाना चाहता हूँ, समझ गए, मैं एक्सेल में ही सब कुछ करना चाहता हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा हमारा PID, ठीक है, PID, प्रोडक्ट का नेम, स्टॉक डेट कि कब आया है। सारे शोर आ रहा है, म्यूट कर दीजिए। उसके बाद साइज एंड यूनिट टाइप, देखिए केजी में है या ऐसी में है, यूनिट में है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है MRP, डिस्काउंट, सेल प्राइस, ठीक है। नहीं, इसमें हम MRP तक ही रखते हैं, डिस्काउंट वगैरह तो घटते बढ़ते रहते हैं ना सर। और यहाँ पे टोटल सेल, टोटल बाय एंड अवेलेबल स्टॉक, ये दो चीज फॉर्मूला आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी एंट्री यहां से थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, ये इनको और यहाँ पे होता है एड न्यू प्रोडक्ट। समझे सर? तो इसमें क्या होगा, डिफॉल्ट यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट इन्फो पे क्लिक करेगा, यहाँ पे PID, नेम, साइज यूनिट टाइप एक डाल हटा देता हूँ एमआरपी। तो सबसे पहले अगर मैं यूनिट क्लिक करो तो पूरी इंफॉर्मेशन खोज के यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर देता हूं मैं येलो, नहीं ये ग्रीन रहेगा, और इसको कर देता हूं ब्लू। तो सबसे पहले मैं करता हूं एडिट न्यू प्रोडक्ट का कोड बनाता हूं। तो डेवलपर में विजुअल बेसिक इंसर्ट, हाँ इंसर्ट मॉड्यूल, दो चीजें यहाँ पे नया प्रोडक्ट आ जाएगा तो मैं यहाँ प्लस वन फोर हो गया। जैसे मैं यहाँ पे अब मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ और नाम दे असाइन मैक्रो मैक्स इसमें मैं चेंज करता हूँ। इसमें पहले से होगा क्लिक टू ऐड प्रोडक्ट, क्लिक टू ऐसे भी होगा और यहाँ पे PID आ जाएगा। ओके मुझे यहाँ पे हमें कंडीशन देने पड़ेंगे। ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे हमें कंडीशन देने पड़ेंगे। हेलो सुजीत सर, सर आवाज बहुत ही कट रहा है बीच बीच में। अभी सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो सर, अभी भी आवाज कट रहा है। सर मैं डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करूं? अभी ठीक है आवाज मेरी? हाँ अभी ठीक है, अभी एकदम ठीक है। वो मैं लग रहा है मैं ब्लूटूथ में प्रॉब्लम है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया न्यू प्रोडक्ट का। अब जैसे कि मैं एक ही प्रोडक्ट से ऐड भी करना चाहता हूं तो कहने मतलब कि इस पे ऐड प्रोडक्ट लिखा होगा तो नया प्रोडक्ट ऐड होना चाहिए। क्लिक टू ऐड प्रोडक्ट लिखा होना चाहिए तो यहाँ पे ये वाली कोड चलनी चाहिए। तो मैं इसके लिए इफ कमांड लगाता हूं कि इफ उससे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं डिम सिटी एज ए सैप्स। और यहां हम कर देते हैं सेट सीपी। हटा देता हूं। इस जगह पे मैं सीपी करता हूं। सीटी ना, माफ करिएगा, मैं सीपी कर दिया। यहां भी सीपी होगा। एक बार ऐड करके देखता हूं, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। As a saps active sheet dot saps dot range array जो चल रहा था उसको चलने दीजिए, मैं इसको बाद में देखता हूँ। इसका एक तरीका यहाँ पे है क्योंकि मुझे saps को रीड करना दिक्कत हो पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे डालता हूँ इफ कंडीशंस की इफ रेंज A2 dot value is greater than equal to 1. Greater than 0 कर दीजिए, greater than 0. Else नहीं तो दिक्कत यहाँ पे आएगा कि अगर एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा ग्रेटर देन ये हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हुआ तो चला, और ग्रेटर देन 1 है मतलब इसके पहले से डला हुआ है, तो इस सारे एक एक प्रोडक्ट को उठा के एक के नीचे कॉपी पेस्ट करें। ये पूरा सीक्वेंस में ही है, तो हम सीधे क्या करते हैं, रेंज A2 से लेके डॉट कॉपी, और रेंज A 65,000 dot and XLS of dot offset 1,0 dot paste special A2 dot select A2 और यहाँ पे range A2 कंटेन, और उसके बाद यहाँ जो हो जाएगा वो यहाँ चेंज कर देगा ऐड टू प्रोडक्ट के क्लिक ऐड क्लिक टू न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, आ गया ना सर, तो ये छोटी सी हमने पेस्ट स्पेशल किया लेकिन पेस्ट एज वैल्यू नहीं किया था। मैं एक बार इसको कर देता हूँ, तो क्लिक टू न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक किया, नेम में मान लीजिए मैं चाहता हूँ राइस, राइस में इसे इसका कलर वाइट कर देता हूँ चाहिए, डेट में आज का डाल दिया, साइज यूनिट में क्या है तो केजी है, यहाँ पे तो हाँ 100 में साइज मतलब वही हुआ, क्वांटिटी कर लीजिए साइज कर लीजिए, क्वांटिटी साइज जो भी कर लीजिए, और केजी है, और एमआरपी जो है इसका पर केजी मान लीजिए 20 रुपीज है, राइट। अब यहाँ पे हमने जो पेस्ट स्पेशल किया था उसमें हमें पेस्ट एज ए वैल्यू सेलेक्ट करना चाहिए था। यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो नीचे आ गया, लेकिन पुराना प्रोडक्ट जो है गायब नहीं हुआ, तो सिर्फ A2 क्लियर नहीं होगा, क्लियर होगा A2 से लेके F2, A2 से लेके F2, और रेंज A2 डॉट सेलेक्ट नीचे यहाँ आएगा। तो मान लीजिए कि क्लिक टू न्यू टू आ गया राइस, और ये जो है 30 रुपीज केजी वाला है, नया आ गया, ठीक है सर। यस सर, इस तरह से नया रेट आता रहेगा। साइज 25 केजी, यूनिट टाइप केजी है हमारा, एंड पहुंच गया जी सर। बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ सर। गुड इवनिंग। अब बात यह है कि मान लीजिए कल के डेट में रेट चेंज हो गया, मतलब कि हमारा जो मान लीजिए राइस जो है प्रोडक्ट नंबर 2 का 30 से ऊपर हो गया, तो मैं इस पर क्लिक करूँ, मुझसे ये पूछे और फिर ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने आप फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ पे एडिट चेंज के यहाँ पे चेंज आना चाहिए, चेंज लिखा हुआ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक नया मैक्रो बनाते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले। तो यहाँ पे MSG बॉक्स होगा, प्लीज और नहीं इनपुट बॉक्स में होगा सर। तो यहाँ डिम PID इक्वल टू PID एज ए लॉन्ग एंड PID इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहाँ हमने डाला कि एंटर PID dot value equal to PID। उसके बाद ये आ गया PID। अब इसमें एक चीज और करना पड़ेगा हमें, मैच का फॉर्मूला काउंट देगा पहले काउंट ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कॉमा C कर देता हूँ, कॉमा C का चेक करना होगा कि PID है या नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे C इक्वल टू एप्लीकेशन, क्योंकि काउंट इफ का जो फॉर्मूला है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ। और यहाँ पे हम ये जो हमारा रेंज है, ये जो रेंज है ना, इसी को लेंगे काउंट करें। फिर कंडीशन होगा कि इफ पी इज ग्रेटर देन 0, यहाँ रेंज नहीं, रेंज इस पे लिखते नहीं है, यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल टू 0 होगा, MSG बॉक्स बीज एंटर यहाँ पे PID डालने के बाद फिर क्या करेगा, फिर एक और यहाँ पे मैं R कर देता हूँ, R ये करेगा R इक्वल टू एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच में PID ढूंढना कहाँ है, A16 है। उसके बाद हमें करना है रेंज के साथ हमने +15 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग एंडिंग होगा हमारा 4+15 .copy range to .paste special .value. रेक्टेंगल 1 और क्लिक टू न्यू प्रोडक्ट नहीं चेंज। राइट क्लिक असाइन मैक्रो RR है, RR को चेंज कर देता हूँ। RR पे लगते हैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज। तो जैसे इस पे क्लिक मैंने मैक्रो नेम चेंज किया ना, इसलिए असाइन मैक्रो। मैंने यहाँ पे PID नंबर 1 डाला एंड ओके। एक मिनट तो यहाँ पे PID होगा, छोटा सा मिस्टेक हो गया। बट यहाँ पे देखिए कॉपी का सीन दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे एक चीज और करेंगे, application.worksheet function, application.cut copy mode। हाँ, कट कॉपी मोड =false, बाकी सब चीज सही है। उसके अलावा फिर पेस्ट करने वाला पार्ट जो होगा यहीं पे लगाएंगे। इसको भी एक इफ कंडीशन में डालते हैं, पूरा मैसेज बॉक्स सबको। इफ रेंज A2.value greater than 0 A equal to 0 का तो ये करना है। फिर else में हमने ये दिया में एक छोटा सा हमें यूज करना है यहाँ ये जो पूरा लेकर आना पड़ेगा आपकी जगह। मैच देखेगा, फिर मैच का चेक करेगा है या नहीं है। फिर ये मैच का फंक्शन एरर देता है ना, इसलिए मुझे काउंटिंग पहले लगाना पड़ रहा है। मैच का फंक्शन लेगा, फिर वो रेंज ए के साथ R+15 पेस्ट स्पेशल पेस्ट वैल्यू फिर A2 से A2 क्लियर होगा। यहाँ क्लिक यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे पहले से क्या डाला हुआ है एडिट प्रोडक्ट इनफो एडिट प्रोडक्ट। ठीक है सर, जगह 20 की जगह पे 25 कर देता हूँ। एक मिनट, यहाँ इसने चेक किया ओ यहाँ PID नहीं होगा, यहाँ होगा रेंज मैच में भी हम सेम PID की जगह जैसा 25 का इंफॉर्मेशन आया है, सही है। मैं इसको 25 में 30 करता हूँ, चेंज कहाँ हो रहा है, वो एक आगे बढ़ रहा है। एक बार मुझे 1 by 1 चलने दीजिए, मान लीजिए मैंने इसको 1 कर दिया। मैं इसको F8 चलाता हूँ, कहीं पे प्रॉब्लम है। R2 हो गया 15 to 17 सही है। इसने 2 दिखाया 15 to 17 सही है। एक मिनट, ये 3 पे आ गया। अच्छा मुझे यहाँ एक कम करना चाहिए। तो 30 कर देता हूँ। बाद में मैं ऐसे डाल सकते हैं। इसमें और भी मोडिफिकेशन होना है तो धीरे धीरे मैं इस पे काम करूंगा। ठीक है सर। हेलो। यस सर। धीरे धीरे मैं इस पे काम करूंगा। फिर बात करते हैं अगली क्लास में। श्योर सर, श्योर।